अच्छा एक काम करो सुनो। हाँ बोलिए। मैं चाहता हूँ आप लोगों से बात करना, लेकिन उसके लिए आपको शांति रखनी पड़ेगी थोड़ी देर, चाहते हो? भाई प्लीज आप अपनी अपनी जगह पे खड़े रहोगे, मैं यहाँ पे खड़े रहूंगा, वरना ये लोग मुझे निकाल के लेके जाएंगे। प्लीज आप लोग शांत होंगे, मैं बात करना शुरू कर पाऊंगा, और अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, किसी को इंजरी ना हो, कोई गिरे ना। भाई तुम लोग चुप रहो, आप देखो, आप बोलोगे नहीं तो जाना पड़ेगा। शांति से सुन लो मेरे को, एक बार जोरदार आवाज करनी है, ठीक है? चलो तो शुरू करता हूं कि वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था, अकेला था लगा लश्कर लेके आया था, पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, तो कहना वो डोंगरी वाला आग लेके आया था। अभी करो आवाज, कितनी कर सकते हो, सुनाओ जरा। मैं आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे इतना सारा यंग ऑडियंस है यहाँ पे, और मैंने कुछ देखा फैमिली ऑडियंस भी यहाँ पे इस वक्त। तो पहले मैं अपने भाई से मिला था तुम्हारे को, दोस्तों आवाज करो जोरदार प्रिंस नेरुला के लिए। प्रिंस भाई भी ट्रॉफी जीत लेंगे, ये बहुत फेमस है, और प्रिंस भाई दो तीन बातें करेंगे अभी आपसे। प्रिंस भाई प्लीज। ये है हमारे भारत की अच्छी पहचान प्रिंस नेरुला, और ये है मुनव्वर फारूकी। कैसे भाइयों, क्या मेरे को लगता है कि इसको अपना एक शो बनाना चाहिए, जनता तो इतनी सारी बैठी है, बस इन्हीं की जरूरत है। मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर, और मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, तुम लोगों ने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी है यार, पर वो प्यार है यार चलेगा, और मुनव्वर के लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये वही है जैसे हमें सर ने बोला कि जो बहुत छोटे छोटे कामों से उठा है, और आज इसने धुआं उठा रखा है जैसे इस टाइम स्टेडियम में है। एक बार जोरदार सारे यार, दूर जहां तक नजर आती है वहां पर दुनिया खड़ी है, क्या बात है यार। मेरे जैसे कितने लोग हैं जो मुनव्वर से प्राउड फील करते हैं, और आपके जैसे कितने लोग हैं जो इसे अपना आइडल मानते हैं, और प्लीज मुनव्वर को बहुत सारा प्यार करते रहे और सपोर्ट करते रहे, आप जनता बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से, आई लव यू। थैंक यू प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए, और सॉरी तुम्हारी गाड़ी का जो हाल हुआ, लेकिन कलवा और मुमरा की जो पब्लिक है, क्या प्यारे लोग, मैं देख सक रहा हूँ कि है यहाँ पे मुंबई की पब्लिक, लेकिन बहुत दूर दूर से भी लोग आए, तो कोई बिहार से आए मुझे पता चला। तो सबसे पहले एक बार जोरदार जय हिंद जय महाराष्ट्र, क्या बात है। तो दोस्तों आज यहाँ पे आने का जो
मैं बिल्कुल मिलना चाहता था यहाँ पे, उमरा की पब्लिक का बहुत सारा प्यार था, मैं मिलना चाहता था, लेकिन साथ साथ में जब इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ। नफरत ना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान चीज अगर कोई है तो वो किसी से नफरत करना है। मुश्किल काम है किसी से प्यार करना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सच में प्यार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करेंगे कि नहीं करेंगे? माहौल चाहे जैसा भी है, माहौल चाहे आप देख लो पूरे हर जगह पे, मुझे जहां पे मैं देखता हूँ ना, मुझे भाईचारे दिखते हैं, मुझे लोगों के बीच में प्यार दिखता है। और हमें जमीन पे हो या इंटरनेट हो, कहीं पे भी हो, हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम नफरत ना फैलाएं कहीं भी, हम प्यार की बात करें, प्यार फैलाएं। और आज जब इतना यंग जनरेशन यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशों से दूर रहो, ड्रग्स से दूर रहो। जितने भी यहाँ पे देख रहे माए बहने जितनी भी है, आप उनके तरफ देखिएगा, उनका चेहरा देखिएगा, और यहाँ पे जितने भी यंग लड़के हैं ना, छोड़ दिया पूरे, यहाँ पे जितने भी अगर करते हो प्रॉमिस करो छोड़ोगे? बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए है क्योंकि देखो दो भाई थे, दो भाई, उनका ना सीढ़ी बनाने का काम था, लेकिन अकेला भाई कभी सीढ़ी नहीं बना पाता, तो हमें ऊपर चढ़ने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए दो भाइयों की जरूरत पड़ेगी। प्यार और वो दो भाई बन के रहना बहुत जरूरी है। नशे से दूर रहेंगे सब, सिर्फ बर्बादी है, सिर्फ बर्बादी, इसके अलावा कुछ हासिल नहीं है। और मैं चाहता हूँ आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सब कसमें खाओ, अगर गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड की कसम खाओ, अगर तुम्हारे भाई जैसा दोस्त, अगर सदाकत है तो सदाकत जैसे तुम्हारे दोस्त की कसम खाओ, ये कसम खा के आज अगर करते हो तो नहीं करोगे, और अगर करने का कभी मन भी करे ना, अपने माँ बाप के और बहन के बारे में सोचना, प्रॉमिस है? मैं खुद मुश्किल से यहाँ आया, ट्रॉफी कैसे लाता?